जी ना जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट। आइए, आपको उनकी जानिब लिए चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ऐसा है कि कल तफसीली फैसला आया परवेज मुशर्रफ के हवाले से। जस्टिस वकार सेठ ने कहा कि उन्हें 3 दिन, उनकी अगर वो फौत हो जाएं तो उनकी लाश को घसीट कर लाया जाए, 3 दिन के लिए डी चौक में लटकाया जाए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान के तहत तमाम इदारे, खा वो जो भी हैं, वो हम उसके पाबंद हैं, और बिलखसूस जो अदलिया, जिसने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा उनके जो हैं वो शामिल हैं जो फैसला जात। अब ये फैसला उन्होंने, चूँकि आज़ाद हैं, जजों ने अपने जुडिशल माइंड इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को दिया, वो बेहतर समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आइन को आइन के ताबे हमें तमाम मामला, तमाम जो भी अपने काम करने चाहिए, आइन से हट के नहीं, आइन को पामाल नहीं करना चाहिए।